नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ के टॉप न्यूज सेगमेंट में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। सबसे पहली खबर बिहार के राजनीति से, जहां उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर खलबली मची हुई है। संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि महागठबंधन में जाने से पहले जदयू के कुछ नेताओं ने राजद के साथ डील की थी। नीतीश कुमार को लगातार कमजोर किया जा रहा है, वो बताएं कि कौन सी डील हुई है, क्यों राजद के लोग कह रहे हैं कि उनके नेता को शपथ दिलाई जाए, मुख्यमंत्री अभिषेक जाए नहीं तो मुश्किल होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है और मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, हमसे कुछ मत पूछिए, छोड़ दीजिए, उनके जो मन में आए वो बोलते रहते हैं, हमारी पार्टी की ओर से उन पर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बयान देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि जगदानंद सिंह ने नवंबर महीने में एक चैनल को साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने कहा था 2023 के शुरुआत में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ कोई न कोई डील तो हुआ है और दोनों पार्टी के मर्जर को लेकर भी सहमति बनी थी। यह बात अलग है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव को धोखा देने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को कहा कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रही है तो इसमें गलत क्या है, और अगर कमजोर नहीं होती तो जनता दल यूनाइटेड गोपालगंज और कुढ़नी में चुनाव क्यों हार गई? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश से जो टकराएगा खुद कमजोर हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें कोई कमजोर नहीं कर सकता। मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसा है। मांझी ने कहा कि अंगूर खट्टे होते हैं, हो सकता है उसी वजह से ऐसी बातें कर रहे होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव व बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार तथा गन्ना उद्योग मंत्री आलोक कुमार मेहता को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में उन्होंने सचिवालय थाना में लिखित आवेदन भी दिया है, साथ ही इस पर आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हुए सुरक्षा की भी मांग की है। दिल्ली NCR के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आज 24 जनवरी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ और रामनगर में भूकंप से धरती हिली तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल में था जिसकी गहराई जमीन के 10 किलोमीटर नीचे थी। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा जो दिग्विजय सिंह ने कहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, हमारी आर्मी पर हमें पूरा भरोसा है, अगर आर्मी कुछ करे तो उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है, उनका बयान निजी है, वो हमारा नहीं है। आर्टिकल 370 के रीस्टोरेशन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 370 पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य दर्जा का मुद्दा है, हमें लगता है कि जल्द से जल्द इसे राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और यहां जल्द से जल्द विधानसभा की फिर से शुरुआत होनी चाहिए। दिल्ली के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनावों की प्रक्रिया मंगलवार को स्थगित कर दी गई। MCD के सिविक सेंटर में वोटिंग शुरू होते ही हेडक्वार्टर में भारी हंगामा शुरू हो गया। आप BJP मेंबर्स ने नारेबाजी की, बैरिकेड्स पर चढ़ गए और एक दूसरे पर बोतलें फेंकी। हंगामे के कारण सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाले रेसलरों ने अब केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई ओवरसाइट कमेटी पर सवाल उठाए हैं। रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने मंगलवार दोपहर ट्वीट कर इस बारे में अपनी आपत्ति जताई। तीनों पहलवानों ने लिखा, हमें आश्वासन दिया गया था कि ओवरसाइट कमेटी के गठन से पहले हमसे परामर्श लिया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय भी नहीं ली गई। तीनों ही रेसलरों ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को टैग किया है। भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया।
कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई। रोहित ने अपने वनडे करियर का 30वां शतक बनाया तो गिल ने 6ठी सेंचुरी पूरी की। कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से 3 साल बाद वनडे शतक आया तो गिल ने पिछले 4 मैचों में 3री सेंचुरी जमाई है। 2019 के बाद से भारत के दोनों ओपनर्स ने शतक जमाए हैं, इससे पहले रोहित और राहुल ने ऐसा किया था। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। सलमान ने फिल्म के पोस्टर के साथ एक कैप्शन शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइफ।